इसमें मुझे 95% जो है आराम है। अच्छा, छोड़ेंगे छोड़ेंगे छोड़ेंगे। अच्छा, जैसे आपने बताया कि करके आपको कमर में दर्द रहता था, कभी कमर से पैर की तरफ और पैर से कमर की तरफ रहता था, तो क्या इस बीच आपको कोई मेडिसिन वगैरह यहाँ पर यहाँ से प्रोवाइड करवाई गई? नहीं, कोई मेडिसिन प्रोवाइड नहीं। अच्छा, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यूरोथेरेपी विद अविन में। आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे। आज हम आपको अपने एक न्यू पेशेंट से मिलाने जा रहे हैं। फर्स्टली वो आपको अपना नाम बताएंगे, अपनी एज बताएंगे और उनको क्या प्रॉब्लम थी और कब से थी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दीजिए। मेरा नाम सलमान है और एज 24, कामराजपुर से बिलोंग करता हूँ जो चंदक के पास है। मेरी कमर में प्रॉब्लम थी, दर्द था पैर से, फिर कमर से पैर में इस तरीके से हो जाता था जी। तो बाहर भैया का बोर्ड देखा मैंने, ओके, तो उसमें लिखा हुआ था कि बिना दवाई के जो है इलाज होता है यहाँ पर। तो मैंने विजिट किया यहाँ पर, बातचीत हुई, तो फिर ट्रीटमेंट लेना मैंने स्टार्ट कर दिया। एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे एक लंबा सांस छोड़ेंगे। कदम दर्द तो नहीं है? एक लंबा सांस लेके छोड़ेंगे, एक लंबा सांस छोड़ेंगे। मेकअप करना चाहूंगा, एक लंबा सांस लेंगे छोड़ेंगे। एक लंबा सांस छोड़ेंगे, ये अच्छा, जैसे आपने बताया कि करके आपको कमर में दर्द रहता था, कभी कमर से पैर की तरफ और पैर से कमर की तरफ रहता था, तो कहने मतलब है इनका कि पेल्विक जो होता है हमारा, पेल्विक बोन से नीचे की तरफ थोड़ा पेन जाता था और बैक साइड से नीचे की तरफ पेन जाता था। तो ये प्रॉब्लम जो था आपको कितने समय से था? ये 8 महीने हो गए, लगभग अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था मेरे। अच्छा, अक्टूबर से आपको ये पेन स्टार्ट हुआ था, उसके बीच आपने और भी कोई मेडिसिन वगैरह ली थी? हाँ, एम्स की जो दवाई ली है मैंने स्टार्टिंग वहीं से की थी, एम्स। तो इसके बाद जोली ग्रांड भी गया और आसपास के जो हकीम वगैरह हैं उनसे भी। अच्छा, कहीं से मतलब आराम नहीं मिल पाया, जैसे दवाई खाते रहे, दवाई खाते खाते ही आराम मिलता था। अच्छा, फिर बाद में जो है फिर स्टार्ट हो गया। मतलब कहने का, आपने पहले एम्स में ली, जोली ग्रांड में ली और 2-3 जगह और अपना हकीम वगैरह की भी दवाई करी है आपने जी। तो जब तक आपने मेडिसिन ली जब तक आपको रिलीफ रहता था, और जब मेडिसिन आपने छोड़ी वो एज इट इज हो जाता था जैसा पहले रहता था, कुछ स्टार्ट हो जाता था। ओके, तो अभी जैसे आपने न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लिया है तो उसके अंदर आपको कितना रिलीफ मिल चुका है?
इसमें मुझे 95% जो है आराम है। अच्छा ओके। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपने देखा है कि सलमान जी ने अपना आपको फीडबैक दिया है कि इनको कब से प्रॉब्लम थी और उसके बाद आपको उन्होंने किस किस चीज का ट्रीटमेंट लिया और बाद में इनको कितना रिलीफ मिला है। इसी तरीके का आपको भी अगर कोई प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का अगर प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, या साइटिक नर्व का इश्यू है आपको, या पेट का प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का IBS का प्रॉब्लम है, अगर इस तरीके की कोई बीमारी से आप सफर कर रहे हैं तो आप हमारे पास आ सकते हैं, हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमसे हमारा अपॉइंटमेंट लेने के लिए जो नंबर रिवील हो रहा है डेस्कटॉप पे आप इस पर कॉल करके भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अदरवाइज हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आप उस पर भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इवन आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके अगर कोई क्वेरी है तो आप उसका भी सजेशन हमसे ले सकते हैं। आशा करते हैं कि करके आपने ये वीडियो हमारी यहां तक देखी है और अगर आपने देखी है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, इवन शेयर करिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।